हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ भावे, आपने भेजा नहीं अभी तक करके होमवर्क? अच्छा, सर, केमिकल काइनेटिक्स सर हाँ, यस, केमिकल काइनेटिक्स। वो नहीं हो पाया। हाँ यस अच्छा, और टाइम चाहिए आपको? ओके, सर। ओके। लास्ट क्लास में जो पढ़ाई हुआ था, अब तक कुछ डाउट है आपको? ओके, सर कौन सा बुक सॉल्व कर दिए भाव्या? फिजिकल के लिए सर यहाँ पे आप जो शीट देते हैं वो करती हूँ, और फिजिक्स से तो अभी मॉड्यूल्स नहीं मिले, नहीं तो वो करती। अच्छा, एक बुक है आरसी मुखर्जी करके, ठीक है? हाँ वो है हाँ कभी। हाँ वो करिए, फिजिकल के लिए दैट इज द बेस्ट बुक। वैसे शीट में भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। अविंशु, अविंशु आपका भी होमवर्क नहीं आया अभी तक। हेलो अविंशु, ये क्वेश्चन था ना क्लास क्लास में। क्वेश्चन ये वॉल्यूम रिक्वायर्ड मतलब वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट है, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट तो क्वेश्चन में पूछा था। कैलकुलेट, ओके, इन टर्म्स ऑफ डी कॉमा वी नॉट कॉमा, ठीक के लास्ट क्लास में ये होमवर्क मिला था, आप लोगों ने किया ट्राई घर पे? बताइए ओइशी, कुछ
कुछ आंसर आया इसका? अच्छा एक बार ट्राई करिए अभी, ठीक है? सर हेलो। हाँ बोलिए अंशु। सर यह इस क्वेश्चन में मतलब जो रिएजेंट टेक्स है वो क्या मतलब प्रोडक्ट एंड रिएजेंट मतलब जो रिएक्टेंट था ए उसके साथ क्या मतलब इंडिविजुअली रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ तीनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल। देन आफ्टर रिएक्शन व्हाट विल बी द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स? हाँ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स जो भी बने उससे अपने को मतलब नहीं, अपने को इसका के चाहिए, ठीक है? T इक्वल टू जीरो पे हमको पूरा न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए वी नॉट वॉल्यूम लगता है रिएजेंट का, ठीक है? और T इक्वल टू T पे VT लगता है, तो K का वैल्यू आपको बताना है। जल्दी ट्राई करिए इसको। भव्या ये क्वेश्चन ट्राई किया आपने घर पे? हेलो एम आई ऑडिबल? फील आई एम नॉट ऑडिबल। आप लोगों को आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? यस सर नाउ इट्स ऑडिबल। बोलिए ये घर पे ट्राई किया आप लोगों ने? जल्दी करिए इसको। वत्सल आप गलत क्लास में ज्वाइन हो गए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आप गलत क्लास में ज्वाइन हो गए। नहीं सर, मन नहीं लग रहा था तो ज्वाइन कर लिया। ये क्या बोल रहे थे? आपने वो होमवर्क कर लिया गैसियस स्टेट का? नहीं सर। तो होमवर्क करिए भाई, बोर हो रहे थे, आ गए इधर मुंह उठा के। जाइए होमवर्क करिए, हम आपको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है? ये यहाँ के बच्चे बहुत शरारती। चलो ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। T इक्वल टू जीरो पे लेटर से क्या मान सकते हैं अपन लोग? मानते हैं इसके हम लोग ए नॉट मूल से शुरू किए थे, ठीक है? ये जीरो जीरो था आपके पास। किसी टाइम टी पे क्या होगा? ए नॉट माइनस टू एक्स, इसका क्या हो जाएगा 4x, और ये क्या हो जाएगा x। बोलो यस या नो? यस सर। और यहाँ पे हमारा जो रिएजेंट है, रिएजेंट x, क्या वो a b और c तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा है? तो t इक्वल टू जीरो पे ये हमारा t इक्वल टू जीरो है। इस समय हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है? बस और बस a है, ठीक है? तो जब x के साथ हम रिएक्शन कराएंगे रिएजेंट x के साथ, तो कौन रिएक्ट करेगा? सिर्फ a करेगा, राइट? बोलो वाल को कहाँ चला गया? हाँ बोलो यस सर। समझ में आ रहा है सबको? अरे भाई आप लोग का क्या कनेक्शन लूज है क्या? आप क्या बोले थोड़ा फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ हमने बोला t इक्वल टू जीरो पे हम जब इसमें एजेंट x डालेंगे, ठीक है? तो एजेंट x सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा? सिर्फ हमारे a से ही रिएक्ट करेगा ना, b और c से तो रिएक्ट करेगा नहीं क्योंकि हमारे पास है नहीं सिस्टम में,
समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, फिर हम लोग देखते हैं रिएजेंट वगैरह इक्विवेलेंस वगैरह थोड़ा लगाते हैं, ठीक है? तो जो एजेंट एक्स हमारा रिएक्ट कर रहा है, ए के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर 2k इस फॉर्म का है, ठीक है? बी के साथ 3k, सी के साथ 5k, ठीक है? रेशियो 2:3:5 है। तो हम लोग मान सकते हैं, वी कैन अज्यूम दैट एन फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 2k, ठीक है? एन फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू सम 3k, एंड एन फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सी इज सम 5k. इज इट अग्रीएबल? बोलो वाल को, हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। मान सकते हैं ना हम लोग, कुछ भी मान सकते हैं, 2k, 2l, 2p, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया ये, ठीक है? फिर t equal to 0 पे हमारे एजेंट का रिएजेंट x जो है, इसका बोल रहा है कि हमारे पास v not moles लगता है, ठीक है? सॉरी, v not volume लगता है। तो v not volume into इसकी जो नॉर्मेलिटी है, अब इसका कुछ नॉर्मेलिटी भी होगा, उसको भी कुछ मान लो, n मान लो, ठीक है? या फिर मोलैरिटी मान लो, m मान लो, ठीक है? इनटू इसका क्या होगा, n फैक्टर। अब n फैक्टर इसका किसके साथ होगा, a के साथ, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? बोलो वाल को। यस सर। मोलैरिटी मान लो या फिर नॉर्मेलिटी मान लो, ठीक है? n फैक्टर का भी जनरेट किया, तो इसकी जो नॉर्मेलिटी है इनटू v नॉट, दैट विल बी इक्वल टू a नॉट इनटू 2k इनटू कुछ भी है इसका जो होगा, अच्छा इसका कॉन्सेंट्रेशन ही है ना, एन नॉट, तो कॉन्सेंट्रेशन इनटू एन फैक्टर। ये चीज समझ में आया सबको, ये इक्वेशन? देखो ये बहुत क्रूशियल इक्वेशन है, ये अगर समझ में नहीं आएगा तो पूरा वर्किंग गड़बड़ आ जाएगा आपका। ये कैसे हो रहा है, समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? देखो हमारा रिएजेंट जो है, देखो हमारे पास क्या है, रिएजेंट एक्स, ठीक है? रिएजेंट एक्स हमारा रिएक्ट करता है ए के साथ, रिएजेंट एक्स हमारा रिएक्ट करता है बी के साथ, और रिएजेंट हमारा रिएक्ट करता है सी के साथ, ठीक है? अगर ए के साथ रिएक्ट करता है तो ए का एन फैक्टर कितना है, 2k, ठीक है? बी के साथ रिएक्ट करता है, बी का एन फैक्टर कितना है, 3b, ठीक है? सी के साथ रिएक्ट करता है, सी का एन फैक्टर कितना है, सॉरी k होगा, 3k, और ये क्या है, 5k। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। फिर अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे x का रिएक्शन कराया हमने a के साथ, ठीक है? प्रोडक्ट कुछ भी बने उससे अपने को मतलब नहीं है, ठीक है? हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन में बस इंफॉर्मेशन है कि v नॉट मोल लगा हमारा t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे सिस्टम में हमारे पास सिर्फ a है, ठीक है? और वो भी कितने, a नॉट मो, a नॉट इसका कॉन्सेंट्रेशन है। ये चीज क्लियर है सबको? हेलो। हाँ सर। हाँ, तो x के बारे में अपने को क्या दिया, x का हम लोग को वॉल्यूम दिया कि इसका v नॉट वॉल्यूम लग रहा है t इक्वल टू 0 पे सब चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है? a के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है t इक्वल टू 0 पे a नॉट, और इसका n फैक्टर क्या है, 2k, ठीक है? बोलो। हाँ सर। अच्छा, सिर्फ एक ही आप लोग में से कोई यस सर बोल रहा है, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? सब लोग बोलो एक साथ यस सर। बोलो बोलो। बाप रे। यस सर। ओके, सो आई शैल काउंट टू 3, ठीक है? 3 जैसे खत्म हो सब लोग साथ में बोलना है यस सर, ठीक है? ओके, 1, 2, 3, बोलो सब लोग। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, ऐसे लग रहा है कि क्लास में बच्चे हैं, नहीं तो हमें लग रहा है कि सब पॉज करके पीछे पबजी खेल रहे हैं, ठीक है? तो एक्स प्लस ए, ए नॉट हमारा कॉन्सेंट्रेशन है इसका ए का, और इसका एन फैक्टर है 2k, ठीक है? तो जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगा एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जब हमारा रिएक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, तो वहां पे जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे x के, वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ a के। ये चीज क्लियर है कि नहीं सबको?
फिर सब लोग चुप हो गए। यस सर। बाकी लोग बोलो, सब लोग बोलो। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स x के इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स a के, ठीक है। x के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अब हम लोग निकालते हैं, तो इसका वॉल्यूम दिया है हमें v नॉट, ठीक है, और इसकी नॉर्मेलिटी पता नहीं है, तो नॉर्मेलिटी तो पूरे सॉल्यूशन में सेम ही रहनी है इसकी, तो हमने मान लिया कि इसकी नॉर्मेलिटी क्या है, n है। हाँ कि ना, बोलो 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 आप लोग, बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ x पे आ जाते हैं, x के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हैं अपने पास, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इनटू इसका n फैक्टर, ठीक है, तो a नॉट इनटू 2k हो जाएगा। बोलो सब लोग मानते हैं? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? हेलो, क्या हुआ? यहां तक तो सब लोगों ने हाँ बोला था, ये वाले पार्ट में दिक्कत हुआ क्या? a नॉट इंटू 2k, देखो n फैक्टर इंटू मोलैरिटी होती है ना, नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, सॉरी क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, n फैक्टर हमारा क्या है 2k, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है a नॉट, तो a नॉट इंटू 2k। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हां, तो a नॉट की वैल्यू यहां पे क्या आ गई हमारी, a नॉट की वैल्यू आ गई v नॉट इनटू n अपॉन 2k, ठीक है, ओके। यहां तक सबको सब चीज क्लियर है? बोलो बोलो। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मेरे को ये क्लियर करना है, बोलो जल्दी से सब लोग, लो स्क्रीनशॉट। ले लिया सबने? ओके, हम इसको धीरे धीरे मिटा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग सेम काम क्या करेंगे, सेम काम अपन करेंगे किसके लिए, हमारा जो t इक्वल टू t था, ठीक है, t इक्वल टू t पे सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे हमारा सिचुएशन सिंपल था, सिर्फ a ही था हमारे पास रिएक्ट करने के लिए, ठीक है, t इक्वल टू t पे हमारे पास a भी है, हमारे पास b भी है और हमारे पास c भी है, और x हमारा ऐसा नालायक रिएजेंट है, तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, a के साथ भी कर रहा है, b के साथ भी कर रहा है, c के साथ भी कर रहा है, ठीक है, तो x हमारा a के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ 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 प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से अपने को कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, बी के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ 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 प्रोडक्ट बनेगा, सी के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ 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 क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो इधर ध्यान दो वाल को, एक्स इधर कुछ लगा, कुछ इधर लगा, कुछ इधर लगा, जो भी अमाउंट होगा उसके टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होंगे एक्स के, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ a plus number of equivalents of b plus number of equivalents of c, ये चीज मान रहे हैं सब लोग? बोलो बोलो, ये पॉइंट क्लियर है सबको? देखो अगर क्लियर नहीं है तो एक बार बोलो, सर मेरे को समझ में नहीं आया, प्लीज रिपीट योरसेल्फ, ठीक है, बोलो एक बार सब लोग। Yes, sir, repeat. अमीशा ने बोला, बाकी सबको क्लियर है? Sir, please repeat. अविंशु आपको क्लियर है? Sir, repeat. ओइशी आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके, ओइशी को क्लियर है, ओके. तो बाकी सब लोग देखो, जब समझ में नहीं आए तो क्लियरली बताओ कि सर नहीं समझ में आया, प्लीज रिपीट, ठीक है, चुप रहने से नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x के कुछ मोल्स a के मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो लेट अस से वन सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, तो a के जितने इक्विवेलेंट्स हम लोग लेंगे,
उतने ही इक्विवेलेंट्स x के a के साथ रिएक्ट करेंगे। ये चीज सब लोगों को क्लियर है? हेलो हेलो यस सर। हाँ, x के जितने इक्विवेलेंट्स हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स a के रिएक्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, सेम चीज सेकंड पार्ट के लिए हम लोग करेंगे। तो जितने x के पोर्शंस हमारे b के साथ रिएक्ट करेंगे, जितने इक्विवेलेंट्स, उतने ही इक्विवेलेंट्स b के भी लगेंगे। ठीक है, सेम चीज हम लोग c के लिए करेंगे। तो c के जितने इक्विवेलेंट्स लगेंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स x के c के साथ रिएक्ट करेंगे। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो उसी से ये इक्वेशन हमने मैथमेटिकली लिख दिया कि टोटल जो x के इक्विवेलेंट है, x के इक्विवेलेंट कौन कौन से, कुछ जो a से रिएक्ट किए प्लस कुछ जो b से रिएक्ट किए प्लस कुछ जो c से रिएक्ट किए, तीनों का सम क्या होगा, दैट इज योर LHS, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ x। क्लियर है सबको? यस सर। दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ x, जो कि x का वो पोर्शन जो a से रिएक्ट किया, प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ b का वो पोर्शन जो x का वो पोर्शन जो b के साथ रिएक्ट किया, प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ c, मतलब x का वो पोर्शन जो c के साथ रिएक्ट किया। क्लियर? नहीं है क्लियर? हाँ सर। है क्लियर? पक्का 100%? सर। ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ x तो बहुत सिंपल है, क्योंकि x का हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है। कितना बताओ, t टाइम पे कितना वॉल्यूम लग रहा है x का? कौन बताएगा? अमीशा आप बताओ, t टाइम पे x का कितना इक्विवेलेंट्स लग रहा है? ओके, अमीशा को क्लियर नहीं है। अविंशु आप बताइए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ x एट टाइम t कैसे निकालेंगे? सर, a नॉट माइनस 2x इनटू 2k प्लस 4x। नहीं नहीं नहीं, वो आप RHS बता रहे हैं, LHS बताइए, x के इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, चलो इसको हम लोग फ्रेश पेज पे करते हैं। ठीक है, ये तो बीच बीच हो जाएगा। तो x के हमारे कुछ मोल्स रिएक्ट किए a के साथ, x के कुछ मोल्स हमारे रिएक्ट किए किसके साथ, b के साथ, x के कुछ मोल रिएक्ट किए हमारे c के साथ। ठीक है, तो टोटल x के जो रिएक्ट किए, ठीक है, टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ x, ठीक है, दैट विल एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ n इनटू vt। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ b प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ c। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ x क्या हो जाएगा, vt इनटू इसकी नॉर्मेलिटी। जैसे पिछले केस में हम लोगों ने देखा था t इक्वल टू 0 में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ x क्या होता था, v का वॉल्यूम, दैट इज v नॉट इनटू n फैक्टर। बात समझ में आई सबको? हेलो, समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। ओके, ओइशी और अविंशु को समझ में आई, बाकी लोग? यस सर। ओके, और वैष्णवी आपको? ओके, चलो ठीक है। हाँ, तो ये v नॉट इनटू t हो गया। फिर इक्विवेलेंस ऑफ a क्या होगा, ये ओइशी आप बताइए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ a क्या होगा इस केस में एट टाइम t? सर, a नॉट माइनस 2x इनटू 2k। वेरी गुड। ठीक है, ए नॉट माइनस 2x इंटू 2k। सबको समझ में आ रहा है ये चीज कैसे हो रहा है? देखो, x के हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कहां गया, x के हमारे नंबर ऑफ मोल्स है ए नॉट माइनस 2x। ठीक है, और इसके साथ इसके n फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 2k। तो हमारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए किसके, a के। बात समझ में आई सबको? सबको? यस सर। ओके, तो फिर वैष्णवी
वैष्णवी का तो स्विच ऑफ है। रिया आप बताइए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी कितने होंगे एट टाइम टी। 4x into 3k वेरी गुड। ठीक है फिर और कौन बच गया, अमीशा आप बताइए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सी कितने होंगे एट टाइम टी। x into 5k वेरी गुड। ठीक है चलो अब समझ में आपको, तो 4x into क्या था 3k प्लस इक्विवेलेंट्स इसके कितने होंगे x into 5k। ठीक है 4x ही था ना, 4x हाँ 4x into 3k प्लस x into 5k चले 5k है okay। ठीक है तो यहाँ से आपके पास एक और रिलेशन आ गया a0 और x। सर सर वो सी था या सिर्फ थ्री सी था या थ्री सी था? नहीं सिर्फ सी था आई थिंक, सी था ना? नहीं बट आपने तो मतलब अच्छा अच्छा ओके ओके क्वेश्चन में थ्री सी है, थ्री सी है थ्री सी है तो 3x होगा। ठीक है 3x इंटू 5 15 हो जाएगा 3x इंटू 5। ठीक है ओके तो इसको हम लोग फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वीटी इंटू एन इज इक्वल टू के सबका कॉमन ले लो ए नॉट 2a0 माइनस 4x प्लस 12x प्लस 15x। ठीक है इसको और सिंप्लीफाई करो k इंटू 2a0 प्लस कितना हो गया 23x इज इक्वल टू vt इंटू n। ये a0 और x में एक रिलेशन आ गया, एक रिलेशन ऑलरेडी अपने पास a0 इक्वल टू nv0 अपॉन 2k a0 इक्वल टू nv0 अपॉन 2k। ठीक है ओके तो ये दो इक्वेशन आ गए और k का इक्वेशन क्या होगा, k का इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 1/t ln ऑफ क्या a0 माइनस 2x अपॉन a0। ठीक है ln ऑफ a0 माइनस 2x अपॉन a0 यही होगा ना, बोलो बोलो बालको यस सर नो सर कुछ तो बोलो। यस सर k का इक्वेशन ये हो गया। अब हमें को हम लोग को करना यही है कि a0 और x को क्या करना है ये बाकी सब वेरिएबल के टर्म्स में लिख देना है। ठीक है तो इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी nvt अपॉन k। ठीक है nvt अपॉन k माइनस 2a0 अपॉन 23। ठीक है और a0 की वैल्यू ऑलरेडी है nv0 अपॉन 2k। ठीक है तो निकाल लो इसकी वैल्यू 1/t ln ऑफ a0 की वैल्यू, a0 की वैल्यू nv0 अपॉन 2k या फिर ऐसे कर लो वाल को 1 माइनस क्या हो गया 2 इनटू x अपॉन a0। ठीक है डायरेक्ट x अपॉन a0 की वैल्यू पुट करो इसमें 1/t ln ऑफ 1 माइनस 2 इनटू x अपॉन a0। x अपॉन a0 क्या है हमारा, अच्छा a0 की वैल्यू इसमें भी पुट कर दो आप 2 इनटू हो जाएगा 2n v0 अपॉन 2k 2 से 2 कट गया तो n/k इनटू vt माइनस v0 बाई 23। देखो कितना अच्छा आंसर आ गया। तो x बाई a0 हमारा क्या हो जाएगा n/k कट जाएगा ऊपर नीचे से। ठीक है तो बचेगा क्या होगा vt माइनस v0 अपॉन 23 इनटू 2। ठीक है लिंक भेज रहे हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन सर? हाँ बोलिए सर। k is 1/t ln a0 by a0 minus 2x ना? k is क्या 1/t ln a0 by a0। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उल्टा कर दिया हमने, पूरा गड़बड़ कर दिया, इसको काट दो। k is equal to 1/t ln a0 upon a0 minus 2x। ठीक है तो दोनों जो a0 और x की वैल्यू है उसको आप उसके vt ये सब के टर्म्स में कर दो। तो आप देखो यहाँ पे जैसे हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें n/k क्या हो रहा है कट जा रहा है, तो हम लोग बीच में कुछ भी अज्यूम करेंगे तो फाइनल क्या होगा वो कट जाएगा। ठीक है ये क्वेश्चन क्लियर है सबको?
बोलो वाल्को, ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसी से मिलता जुलता हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं और इसमें सबका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है, ए गिव्स 3 मोल्स ऑफ बी प्लस 2 मोल्स ऑफ सी प्लस डी, ठीक है, और एक रिएजेंट एक्स है और वो रिएक्ट करता है ए के साथ और बी के साथ और सी के साथ, ठीक है, चलेगा। और ए के साथ जब रिएक्ट करता है तो एन फैक्टर ऑफ ए इज टू एन फैक्टर ऑफ बी इज टू एन फैक्टर ऑफ सी, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 1:2, 2:3, ठीक है। और t इक्वल टू जीरो पे x का हमारा जो वॉल्यूम यूज होता है दैट इज वी नॉट, t इक्वल टू इंफिनिटी पे x का जो वॉल्यूम लगता है दैट इज v इंफिनिटी, ठीक है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k इन टर्म्स ऑफ v नॉट एंड v इंफिनिटी, ठीक है, करो सब लोग ये जल्दी से। हम भी ट्राई करते हैं, जल्दी जल्दी ट्राई करो आप लोग। सर ये एक और बार बता दीजिए, t इक्वल टू जीरो पे x क्या है? t इक्वल टू जीरो पे रिएजेंट x जो है हमारा रिएजेंट है, x हमारा रिएजेंट है, ठीक है, हाँ। उसका v नॉट अमाउंट हमें लगता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए, ठीक है, ठीक, हाँ सर। ओके, जल्दी से करो सर। मेरा तो हो गया, किसी का आंसर आया क्या? बोलो वालको, ओशी आपका आंसर आया? सर जल्दी करिए।
सर हो गया। एक मिनट, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है आपका, कैसे हो गया विंशु? ये t इक्वल टू इनफिनिटी जो हम ले रहे हैं वो एक्चुअली गलत है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लो क्वेश्चन को। t कहाँ गया पिन मेरा? ये v इनफिनिटी में आपका x का कोई टर्म ही नहीं बचेगा, तो इसको आप vt मान लो और ये टाइम किसी t पे मान लो, ठीक है? ओके, इसको t मान लो और इसको बाकी सब ठीक, ठीक है? अब करो एक बार, मेरा गड़बड़ हो गया था। समझ रहे हो क्वेश्चन में गड़बड़ क्या था? अगर t इन्फिनिटी लेंगे अपन तो x का कुछ टर्म ही नहीं आएगा, ठीक है? तो फिर रिएक्शन का आप k नहीं निकाल सकते t के टर्म्स में, t कुछ है ही नहीं, मतलब इन्फिनिटी हो गया। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बात को, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया ना। किसी का आंसर नहीं आया? यस सर, आप थोड़ा हाँ करिए करिए, जल्दी करिए। हेलो ओइशी, भव्या, आप लोग में से किसी का आंसर आया? सर k equals to 1 by t ln nv naught by 3 nv naught minus 2 vt into n। n कट जाएगा ना ऊपर नीचे? हाँ हाँ यस सर। फाइनल आंसर बताइए। 1 by t ln of sir v naught by 3 v naught minus vt, 3 v naught minus vt। okay, aur kuch answer? This is from Oishi। okay, baki log? Avinshu, aapka kya hai answer? सर 1 by t ln 11 nv not by 11 nv not minus 2 n not plus 2 nv t। n n काट दो ना ऊपर नीचे से, क्या बोला आपने? 11 v not upon इलेवन एन वी नॉट बाई 11 एन वी नॉट माइनस 2 ए नॉट प्लस 2 एन वी टी। मैं एक्चुअली वो ए नॉट में सब्सटीट्यूट नहीं। अच्छा, अरे सब्सटीट्यूट करो ए नॉट, ऐसे थोड़ी चलेगा। सब्स्टिट्यूट करो, फाइनल आंसर बताओ। वी नॉट वीटी के टर्म्स, ठीक है? अमीशा वैष्णवी, आप लोग अपना अपना आंसर बताइए।
सर हाँ बोलिए सर माय आंसर कैन यू करेक्ट हाँ बोलिए इट विल बी 1 बाय टी ln 11 n नॉट v नॉट डिवाइडेड बाय 13 v नॉट माइनस 2 vt 13 v नॉट माइनस 2 vt ओके ओके बाकी लोग रिया वैष्णवी अमीशा भाव्या क्या वो आपने ट्राई नहीं किया बाकी लोगों ने भाव्या आप अपना आंसर बोलिए Sir, the answer is one by t ln 11 v naught by 11 v naught minus v means 12 v naught plus 2 vt. 12 v naught plus 2 vt. Sorry, not 12, 10 vt. 10 vt. Yeah. 12 sir, v naught. 10 v naught plus 2 vt. Sir. 10 v naught plus 2 vt. Okay. ओके बाकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है आंसर बताने में वैष्णवी आपने कुछ बोला लेकिन मेरे तक पहुंचा नहीं सर मैंने कुछ नहीं बोला अच्छा आपका माइक कैसे ऑन होके ऑफ हुआ था मैं कुछ बोला चलो ठीक है ऐसे कैसे कर रहे हैं आप लोग वाल को ये तो इजी क्वेश्चन है चलो ठीक है देखो हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं इसका t इक्वल टू जीरो पे क्या होगा अपने पास देखो रिएक्शन पहले लिख देते हैं चलो a gives 3b plus 2c plus d ठीक है t इक्वल टू जीरो पे अपने पास क्या है a नॉट है जीरो है जीरो है जीरो है t इक्वल टू t पे अपने पास क्या है a नॉट माइनस x है 3x है 2x है x है ठीक है यहां तक सबको क्लियर है बोलो वालको यस सर हाँ क्या किसने क्या बोला सर मेरा एक आंसर आया हाँ रिया बताइए 1 by t ln 11 v naught 11 v naught by 12 v naught minus 2 vt 12 v naught minus 2 vt अच्छा देख रहे हो आप लोग एग्जाम में भी यही चार ऑप्शन होंगे ठीक है और चार बच्चे चार आंसर लिख के एकदम कॉन्फिडेंस में आएंगे कि हमने तो एकदम सही मारा है एकदम प्लस 4 लेके आए है ना एक्चुअली एग्जामिनर लोग भी ऐसे ही आंसर शीट चेक करते हैं ठीक है मतलब ऑप्शंस ऐसे ही सेट करते हैं चार प्रोफेसर मिलके बैठ के पेपर निकालते हैं बोलते हैं चारों सॉल्व करो चारों अलग अलग गलती करते हैं मतलब प्रोफेसर नहीं करते हैं उनके जो स्टूडेंट है वो लोग करते हैं और फिर वही ऑप्शन बन जाता है ठीक है तो लाइक दिस तो आप लोगों ने काम हमें लग रहा है सबने सही किया है क्योंकि 11 11 सबका आ रहा है लेकिन सबने कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक किया है ठीक है तो चलो इसको देखते हैं t equal to zero पे ये क्या है v naught into इसकी normality अपन n मान लेंगे तो that will be a naught into k is it clear to everyone बोलो वालको yes sir second case के लिए vt equal to a naught minus x into k plus 3x into 2k plus 2x into 3k Is it clear to everyone? Yes, sir. Sir, मैं इसके अंदर में नहीं थी तो एक बार समझा सकते हैं। कौन भव्या? नहीं वैष्णवी। वैष्णवी आप क्या मतलब ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है आपको? सर सर इसमें डी का नहीं लिखेंगे हम। इसमें क्या नहीं लिखेंगे? सर डी का D. D, D के साथ हमारा X कहाँ रिएक्ट कर रहा है बस A B C के साथ रिएक्ट कर रहा है हाँ ओके सर ओके तो K into क्या हो जाएगा A naught minus X सर सर plus 6X plus 6X ठीक है
तो a नॉट प्लस 11x आ जाएगा. बोलो वाल को सर आप थोड़ा बता सकते k क्या है, मैं इसके आगे वाले में नहीं थी. ओके okay. k यहाँ पे हमने कुछ कांस्टेंट मान लिया, हम लोग को रेशियो दिया हुआ है n a is to n b is to n c, ये दिया हमें 1:2:3. ठीक है, क्लियर है वैष्णवी? यस सर. तो हमने क्या किया, एन ए की वैल्यू मान ली के, एन बी की वैल्यू मान ली 2k और एन सी की वैल्यू मान ली 3k. ठीक है ओके सर. तो हमारा ये इक्वेशन फिर सिंपलीफाई हो जाता है ए नॉट प्लस 11x पे. ठीक है, तो इधर आप लोगों ने जो गलत आंसर बताया उसको हम डिलीट कर देते हैं. और इसको डिलीट कर दे रहे हैं. ओके कहां से लग गया. ठीक है अब अपन क्या काम करेंगे, अब अपन थोड़ा सिंपल काम करेंगे. लास्ट बार हम लोगों ने थोड़ा लेंदी कर दिया था, अब हम यहीं पे क्या करते हैं 1/2 कर देते हैं, खत्म. v नॉट k सब कट जाएगा. ठीक है, तो अपना इक्वेशन आ गया vt upon v नॉट upon vt is equal to a नॉट upon a नॉट plus 11x. मजा आया ऑल को? बोलो बोलो. यस सर. बाकी लोगों को मजा नहीं आया? देखो yes, sir. चलो ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया इधर आ गया यार, तो पेज गायब हो जाता है. k is equal to 1/t, ln of क्या होगा हमारा a naught upon a naught minus 3x. क्लियर है, तो अपने को a naught upon a naught minus 3x की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो इस इक्वेशन को एक बार आप वो लगाओ कंपोनेंटो डिविडेंडो, a नॉट अपॉन 11x की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, क्या हो जाएगा v नॉट अपॉन vt माइनस v नॉट. बोलो वाल को, बोलो 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 बोलो. यस सर. यस सर. हाँ, तो इसमें अपन क्या करेंगे 1/t ln ऑफ a नॉट से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3x अपॉन a नॉट आ गया. ठीक है, तो x अपॉन a नॉट की वैल्यू आप यहां से पुट कर दो इसमें, तो हमारा k का वैल्यू क्या आ गया, k is equal to 1/t ln of 1 upon 1 minus 3 into x upon a naught. x upon a naught क्या है हमारा, x upon a naught इसको इधर ले जाओ 11 को, x upon a naught आ गया हमारा vt minus v naught upon 11. ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/t ln of upon 11 v naught ना upon 11 v naught. 11 v नॉट ऊपर आ गया जैसे सबका आया था, फिर 11 प्लस 3 14 आएगा बॉल पे, यहाँ 14 v नॉट माइनस 3 v t. क्लियर है सबको? सर वो 3x मतलब क्यों लिया वो समझा नहीं. यहाँ पे 3x है ना. अच्छा सॉरी सॉरी यहाँ पे x ही है. अरे हमने गड़बड़ कर दिया. देखो देखो मजाक मजाक में क्या हो गया, x होगा यहाँ पे. क्या है यार, तो इतना फीचर इधर डालने को भी रखा. हाँ a नॉट माइनस एक्स होगा, सही बोला आपने, a नॉट माइनस एक्स होगा, तो a नॉट माइनस एक्स होगा, तो a नॉट माइनस एक्स होगा, तो a नॉट बाई एक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट इधर डाल दो, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 11 माइनस नहीं 11 प्लस 1 दैट इज ये 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है सबको? और कुछ हमने मिस्टेक किया है क्या? पहले बार मेरा, हाँ पहले बार मेरा यही आंसर आया था. क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? ओके बताओ, एक घंटा लग गया ये 54 सवाल करने में. चलो ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप लोग, हम लोग फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं. ले लिया सबने?
ओके यस सर। ओके तो कल तक हम लोगों ने तीन मेथड देख लिए थे, मॉनिटरिंग ऑफ मतलब क्या कहा, अरे यार ये कहां से, एक मिनट वेट करो आप। तो तीन मेथड हम लोगों ने देखे थे, रेट ऑफ मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक हम लोगों ने रिएजेंट वाला देखा, एक हम लोगों ने प्रेशर वाला देखा, एक हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं, एक और कुछ देखा था ना, कौन सा देखा था, एक रिडॉक्स वाला देखा था, हाँ एक वॉल्यूम वाला देखा था, एक प्रेशर वाला देखा था, ठीक है। थर्ड मेथड है हम लोग का, जिसमें हम लोग एसिड बेस्ड हाइड्रेशन करेंगे। तो काम इसमें वही रिडॉक्स वाला ही है, इनफैक्ट रिडॉक्स वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये उससे आसानी रहेगा। एसिड बेस्ड हाइड्रेशन हम लोग करा के हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर रिएक्शन लिखा हुआ है, CH3COOC2H5, ठीक है। एक ईस्टर है, इसकी आपने क्या करा है, हाइड्रोलिसिस कराई, ठीक है। तो क्या बनेगा, आपने को कल बताया था ये पार्ट हमारे एसिड में चला जाएगा और ये पार्ट हमारे अल्कोहल में चला जाएगा। बोलो यस सर सब लोग। बीच बीच में आप लोग बोलते रहो, ठीक है, मुझको थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक है। टी इक्वल टू टी पे क्या होगा, ये हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स। ये इसको वाटर को अपने को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वाटर क्या होगा, वाटर मीडियम होगा, ठीक है, मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है। एक मोल रिएक्ट भी कर लिया तो फिर उसके उसके कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स हो जाएगा, ठीक है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो गया तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, इससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा ए नॉट हो जाएगा, ये हमारा ए नॉट हो जाएगा। बोलो यस सर। यस यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसमें अब हम लोग टाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया होगा आपको वॉल्यूम ऑफ, लाइट कटा दिया, वॉल्यूम ऑफ बेस रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, ठीक है, एट different instance, ठीक है। इसकी values दी होगी question में, तो t equal to zero पे जितना volume लगा वो volume हमारा क्या होगा, v naught, ठीक है। t equal to t पे जितना volume लगा वो volume हमारा क्या होगा, vt, ठीक है। और t equal to infinity पे जो जितना volume of base लगा अपने को वो क्या होगा, v infinity। clear है सबको? yes yes okay। तो एक चीज देखो, जब हम लोग इधर सॉल्यूशन में बेस डाल रहे हैं तो इन सब कंपोनेंट्स में से रिएक्ट कौन करेगा, ये ईस्टर रिएक्ट करेगा कि एसिड रिएक्ट करेगा या फिर ये रिएक्ट करेगा? हाँ एसिटिक एसिड, ठीक है। और एक और चीज है, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, एरो के ऊपर एच प्लस रहता है, ठीक है। तो ऑलरेडी सॉल्यूशन में क्या है, कुछ एच प्लस पहले से प्रेजेंट है। क्लियर है सबको? yes, हाँ। तो बेस डालेंगे तो कौन करेगा, ओके वन सेकंड, आप लोग में से किसी का नॉइज आ रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ लोगों को, ठीक है, ओके। हाँ तो टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे बेस का हमें वी नॉट वॉल्यूम लगा, ठीक है। बेस की हम क्या मान लेते हैं, बेस की हम नॉर्मेलिटी एन मान लेते हैं, ठीक है। जो बाहर से डाल रहे हैं उसकी नॉर्मेलिटी हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने मान लिया कि n है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ h प्लस प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CH3COOH
एट टी इक्वल टू जीरो. क्लियर है ये चीज सबको? हेलो, ये क्वेश्चन क्लियर है? सिमिलरली सेम काम हम लोग क्या कर सकते हैं, वी टी इंटू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एच प्लस प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच एट टी इक्वल टू टी. मानते हो कि नहीं? यस सर. सिमिलरली v infinity into n is equal to number of equivalents of h plus plus number of equivalents of CH3COOH at t equal to infinity. ठीक है? ओके. अब एक चीज नोटिस करो बाल को, h plus इसमें क्या है? कैटलिस्ट है. हाँ कि ना? यस सर. हाँ, तो इसका हम मान सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होगा, कुछ मान लो y मान लो. ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है थ्रू आउट रिएक्शन? सेम रहता है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो y यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, है कि नहीं? Yes. और बचा हमारे पास क्या, सी एस थ्री सी ओ एच. तो t इक्वल टू जीरो पे सी एस थ्री सी ओ एच कितना मोल है हमारे पास? x मोल है ना, जीरो है. ठीक है, तो ये कितना होगा? जीरो. क्लियर? यस सर. हाँ, t इक्वल टू t पे सी एस थ्री सी ओ एच कितना है? a नॉट मोल्स है ना. ठीक है, फिर t इक्वल टू इनफिनिटी पे कितना है? जीरो. a नॉट. ठीक है, वेरी गुड. तो यहाँ से आपके पास तीन रिलेशन आ गए. क्या? v नॉट इनटू n इज इक्वल टू y, पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन क्या? हाँ बोलिए सर. वो जो v इनफिनिटी n है उसमें वो पहला वाला आपका मतलब वो वही रहेगा, पहला वाला? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ h प्लस तो वही रहेगा. ठीक है, v इनफिनिटी इनटू n इज इक्वल टू y प्लस a नॉट. ठीक है, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन. बोलो वाल को, बोलो यस सर सब लोग. यस यस. k इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई टी एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस x. ठीक है, तो ये तो और सिंपल हो गया. y का वैल्यू आपको बस इधर पुट करना है, x की वैल्यू आ गई, y का वैल्यू इधर पुट करना है, ए नॉट आ गया आपका. तो डायरेक्ट एक लाइन का आंसर आ जाएगा, एल एन ऑफ ए नॉट हमारा क्या हो जाएगा? ए नॉट हो जाएगा v इन्फिनिटी माइनस v नॉट, और ए नॉट माइनस x क्या हो गया? ए नॉट माइनस x बोले तो v इन्फिनिटी माइनस v t. ये क्लियर है सबको ये इक्वेशन? बोलो वाल को. यस सर. तो यही आपका क्या होता है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हम लोग यही ध्यान रखते हैं. ठीक है, कई बार बच्चे इसको भूल जाते हैं, तीर के ऊपर जो लिखा है बेचारा उसको इग्नोर कर देते हैं, बैलेंसिंग वैलेंसिंग में भी उसका जरूरत नहीं पड़ता है ना, तो इसको ध्यान रखने का. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नोटिस करो, इसीलिए यहाँ पे तीन इंस्टेंट का जरूरत पड़ रहा है, t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू t, t इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि वेरिएबल एक बढ़ गया वो कैटलिस्ट के कारण. ठीक है, ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग जल्दी से, अच्छा सा स्क्रीनशॉट एकदम. सबने ले लिया? Yes. Okay. अगला डिस्कशन थोड़ा इंटेंस होने वाला है, आप लोग के दिमाग से कुछ कुछ ऊपर जैसे ही जाए तो मेरे को रोक देना उधर ही. ठीक है सर, आप इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं? इस वाले के ऊपर? हाँ सर. इस वाले के ऊपर शीट में होगा प्रॉब्लम, तो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट समझ में आया ना? कंसेप्ट मतलब आसानी है. ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया. अच्छा, अभी हम लोग इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, ठीक है. ओके, तो ये हमारा फिफ्थ कैटेगरी आता है. ठीक है, इसमें हम लोग क्या नापते हैं?
इसमें हम लोग नापते हैं ऑप्टिकल रोटेशन. कितने लोगों ने क्लास 11th में स्टोइशियोमेट्री एकदम नालायक की तरह पढ़ाई की है? मैंने. अच्छा, और कितने लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री एकदम नालायक की तरह पढ़ाई की है? तो ये आपके पास अच्छा मौका है पुराना पाप धोने का. ठीक है, जिन लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री ध्यान से नहीं पढ़ा होगा उसको ये सेक्शन थोड़ा समझने में दिक्कत होगा. ठीक है, तो जिधर भी दिक्कत हो मेरे को रोक के उधर ही पूछ लेने का. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है, ईस्टर है अपने पास CH3COOC2H5. अगेन इसका हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं. ठीक है, हाइड्रोलिसिस पे अपने को क्या मिलेगा, CH3COOH मिलेगा और C2H5OH मिलेगा. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. T इक्वल टू जीरो, वही पुरानी बात है, ए नॉट जीरो जीरो जीरो. T इक्वल टू टी, ए नॉट माइनस एक्स जीरो, मतलब जीरो नहीं लिखेंगे इसको, इससे फर्क नहीं पड़ता है, इसको देख के ऐसे ही चले जाएंगे साइड. X X T इक्वल टू इंफिनिटी, जीरो कुछ नहीं, ए नॉट ए नॉट. ठीक है, अब ये ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, यहाँ पे आता है आपका थोड़ा बहुत स्टोइशियोमेट्री. ठीक है, तो एक चीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. नाम सुना है आप लोगों ने? Yes. तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, तो ये क्या करता है, किसी पार्टिकुलर चीज के उसके ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताता है. ठीक है, कुछ पार्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं, सबसे पहले कि ये प्लेन पोलराइज किसके लाइट को डेविएट करता है, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है. ठीक है, तो लेट अस से वो दो कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर सकता है. लेट अस से कोई कंपाउंड है, कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आप सोच सकते हैं, जैसे हमने ये सोच लिया कार्बन से क्या है, इधर CH3 लगा है, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, इधर क्या लगा, ब्रोमीन लगा. ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा. ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे चार अलग अलग चीजें लगी हुई है, तो इसका एक कॉन्फ़िगरेशन होगा R, एक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका S. सब लोग को थोड़ा बहुत याद है RS? Yes, sir. तो इसमें लेटस से R हमारा क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. डेक्स्ट्रो और लीवो पता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. डेक्स्ट्रो मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, राइट की तरफ डेविएट करता है, लीवो मतलब जो लेफ्ट की तरफ डेविएट करता है. ठीक है, अगर ये डेक्स्ट्रो हमारा लेट अस से राइट की तरफ अल्फा एंगल से डेविएट करता है, ठीक है, प्लस अल्फा एंगल से, तो लीवो हमारा किस एंगल से डेविएट करेगा, माइनस अल्फा. ठीक है, एग्जैक्टली सेम अमाउंट में. ओके, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, बस इतने का ही जरूरत है इसके लिए. तो C2H5 है, ये हमारा क्या होता है, दूसरा कलर का पेन यूज कर लेते हैं. तो लेट अस से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अल्फा 1 डिग्री से क्या करता है, डेविएट करता है. ठीक है, प्लस अल्फा 1 से. ये वाला चीज जो है हमारा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ी, अरे यार पूरा गड़बड़ कर दिया, रुको रुको, इसको नोट नहीं किया ना किसी ने, यहाँ पे हमने ये कंपाउंड हमने गलत ड्रॉ कर दिया. वही हम सोचे कि ये इन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का हम क्या कर रहे हैं. एक मिनट वेट करो आप लोग. इधर क्या होता है, इधर सुक्रोज होता है अपना. ठीक है, C12H22O11. ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6. ठीक है, वही मेरे को लग रहा था इधर अल्फा 1 अल्फा 2 इधर क्या चल रहा है. ठीक है, इनऑर्गेनिक भी करते होंगे लेकिन ये वाला आपके सिलेबस में है. ठीक है, दिस इज इन IIT JEE सिलेबस. ठीक है सर, आगे वाले में भी एसिड बेस में भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही लिया है. हाँ, वो भी IIT JEE के सिलेबस में था. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ कुछ रिएक्शंस हैं जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है सिलेबस में. वन इज दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ केन सुगर,
और पिछला वाला जो था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, बोथ ऑफ दीज आर इन जेई सिलेबस. ठीक है, तो लेटर से ये अल्फा वन डिग्री से ये हमारा क्या कर रहा है, शुगर को, शुगर के सॉल्यूशन को डेविएट कर रहा है. ठीक है, ग्लूकोज के सॉल्यूशन को लेटर से ये अल्फा टू डिग्री से कर रहा है. ठीक है, प्लस अल्फा टू. और ये क्या है हमारा, दिस इज योर ग्लूकोज. कितने लोग ग्लूकॉन डी पीते हैं, हाथ उठाओ. अच्छा, हाथ उठाओगे तो दिखेगा नहीं ना इस पे. टू पार्टिसिपेंट्स, वेरी गुड. अच्छा, तो ग्लूकॉन डी पीते हैं आप लोग या ग्लूकॉन एल पीते हैं? ग्लूकॉन डी. ठीक है, तो वो डी क्या होता है, वो डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अगर ग्लूकॉन डी की जगह आपने क्या किया, ग्लूकॉन एल पी लिया, तो फिर ताकत नहीं मिलेगी. ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्लूकोज. सिमिलरली ये हमारा क्या होता है, फ्रुक्टोज. ठीक है, तो ये अगर अल्फा टू डिग्री से कर रहा है तो फ्रुक्टोज किससे करेगा, माइनस अल्फा टू से. बोलो वाल्को. यस सर. इन दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, ये अल्फा टू से कर रहा है, ये अल्फा थ्री से कर रहा है. ठीक है, क्योंकि ये दोनों जरूरी नहीं है एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज हो. अगर मिरर इमेज होते तो अल्फा टू और अल्फा थ्री में क्या होता, मतलब अल्फा टू इक्वल टू माइनस अल्फा थ्री, इस तरह से हम लोग कह सकते थे. समझ में आ रहा है सबको? ओके. माइनस क्यों लिया? हाँ, फ्रुक्टोज हमारा शुगर के उल्टा डायरेक्शन में इसको रोटेट करता है. ठीक है, तो इस साइड अगर हमने सुक्रोज का पॉजिटिव लिया है तो ग्लूकोज का भी पॉजिटिव लेना होगा और फ्रुक्टोज का नेगेटिव लेना होगा. ठीक है. तो अल्फा टू नेगेटिव होगा. ठीक है, क्योंकि सुक्रोज और ग्लूकोज सेम डायरेक्शन में वो उसको रोटेट करता है. ठीक है, ओके. तो यहाँ तक सबको क्लियर है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवेन होगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या गिवेन होगा आपको, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एट टी इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू होगी आर नॉट. ठीक है, एट टी इक्वल टू टी, इसकी वैल्यू होगी आर टी. ठीक है, एट टी इक्वल टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी, आर इंफिनिटी. ये चीज क्लियर है सबको? आर नॉट, आर टी और आर इंफिनिटी क्या है, अलग अलग एंगल्स है. क्लियर है सबको? रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. सर, आप एक बार रीड कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा. हाँ, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, पीपीएल यहाँ पे आया था ना, दैट इज दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट एट टी इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू आर नॉट, एट टी इक्वल टू टी इज इक्वल टू आर टी, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी इज आर इन्फिनिटी. क्लियर? तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर वन मोलर होगा तब कितना रोटेट करेगा, दैट इज अल्फा वन. ठीक है, और आर नॉट क्या है, आर नॉट अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, ओके. तो ये जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन होता है, यहाँ पे आप लोग नोट बना के लिख लो. तो जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है थीटा, या फिर और इन अदर वर्ड्स यहाँ पे जो हमने आर यूज किया है, ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, अल्फा इनटू सी अपॉन एल. ठीक है, अब ये क्या क्या है इन तीनों वर्ड्स के, आप लोग को मीनिंग समझते हैं. ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन, इसको थीटा से या फिर आर से डिनोट किया जाता है. ठीक है, अल्फा क्या होता है हमारा, अल्फा इज योर स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन. स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन. सी हमारा क्या होता है, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, और एल होता है आई थिंक लेंथ ऑफ वो जो ट्यूब होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब. ठीक है, तो पोलैरिमीटर का जो लेंथ होता है उसको हम लोग एल से डिनोट. ये इक्वेशन क्लियर है सबको, थीटा इज इक्वल टू अल्फा इनटू सी अपॉन एल. ठीक है, बोलो बोलो वालको.
यस बाकी सबको क्लियर नहीं हुआ क्या? नहीं सर क्लियर। ओके तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये आर नॉट आर टी और आर इन्फिनिटी को ये अल्फा के टर्म्स में लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। t इक्वल टू जीरो पे हमारे पास क्या होगा, आर नॉट होगा, ठीक है। और t इक्वल टू जीरो पे सॉल्यूशन में हमारे पास ग्लूकोज नहीं है, फ्रुक्टोज नहीं है, हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ए नॉट इंटू अल्फा वन अपॉन एल। ये चीज क्लियर है सबको? बोलो वालको। यस सर। फिर RT के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, T पे हमारे पास सुक्रोज भी है, हमारे पास ग्लूकोज भी है, हमारे पास फ्रुक्टोज भी है। तो T का जो कंसेंट्रेशन है, सबसे पहले सुक्रोज का कंसेंट्रेशन लिखेंगे, दैट इज ए नॉट माइनस एक्स इनटू ये कितने एंगल से रोटेट करेगा, अल्फा वन अपॉन एल, ठीक है। प्लस हमारा ये सी सिक्स ये कितने एंगल से रोटेट करेगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन है एक्स इंटू इसका एंगल क्या है, अल्फा टू अपॉन एल, ठीक है। प्लस फ्रुक्टोज का कितना है, एक्स इंटू माइनस अल्फा थ्री अपॉन एल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। सिमिलरली एट डी इक्वल टू इंफिनिटी, आर इंफिनिटी इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये खत्म हो चुका है, ये ए नॉट है और ये ए नॉट है, ठीक है। तो ए नॉट इंटू अल्फा टू अपॉन एल माइनस ए नॉट इंटू अल्फा थ्री अपॉन एल, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। क्लियर है सबको? अब अपने को इक्वेशन में फाइंड आउट क्या करना है, k is equal to again 1 by t ln of a naught upon a naught minus x, ठीक है। बोलो वालको। तो बेसिकली आपको इन तीनों इक्वेशन में से अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 को क्या करना है, इलिमिनेट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अल्फा वन तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाला जो है हमारा आर नॉट नहीं, एक मिनट मेरे को कुछ करना होगा, क्या करना होगा, अपने को ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स निकालना है, ठीक है। इन तीनों को इक्वेशन को आपको क्या करना है, कुछ मैनिपुलेट करना है ताकि अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा थ्री क्या हो, इक्वेशन से गायब हो जाए। ओके मेरे को दिखा कुछ, इक्वेशन नंबर थर्ड को अगर आप ए नॉट से डिवाइड करके एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड इक्वेशन से इस चीज को माइनस कर दे, तो आप लोग को कुछ आता हुआ दिख रहा है क्या? मेरे को दिख रहा है आर टी माइनस आर इन्फिनिटी इंटू एक्स अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन, हाँ इससे ये कट जाएगा, ठीक है, ए नॉट माइनस एक्स इनटू सही चल रहा है अल्फा वन अपॉन एल, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर मेरा भी एक और ट्यूशन है तो मैं क्या लीव कर सकती हूँ, आप ये वीडियो का लिंक भेज दीजिए। हाँ ठीक है, अगर मैं वीडियो डालना भूल जाता हूँ तो आप जस्ट यू रिमाइंड मी वंस, ठीक है। हाँ ओके। तो ये आर टी माइनस अपॉन एन इनटू एक्स, तो ये कट जाएगा, ठीक है, और बचेगा क्या आपके पास ए नॉट माइनस एक्स इनटू अल्फा वन अपॉन एन, ठीक है। ओके
x लेकिन नहीं बचना चाहिए था, x भी आई थिंक कहीं कट जाना चाहिए था। क्वेश्चन 2 को तो हमने किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके चलो ठीक है, चलेगा चलेगा ना। ठीक है फिर इस इक्वेशन 1 को आप इस इक्वेशन 4 से क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर सकते हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बाल को, अगले पेज पे इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। ठीक है इक्वेशन 1 जो है हमारा, इक्वेशन 1 क्या है, आर नॉट अपॉन ए नॉट इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन एल। ठीक है आर नॉट अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन एल। ठीक है इक्वेशन सेकंड क्या है अपने पास, आर नॉट, अच्छा इक्वेशन 2 थोड़ा गंदा है, इक्वेशन 3 को देखते हैं पहले। इक्वेशन 3 इज योर आर इंफिनिटी अपॉन a naught is equal to alpha 2 upon l minus alpha 3 upon l, यही था ना। और equation 2 क्या है हमारा, equation 2 थोड़ा lengthy है, अरे यार equation 2 है rt is equal to a naught minus x into alpha 1 upon l plus alpha 2 upon l into x minus alpha 3 upon l into x। ठीक है तो ये चीज जो है इसको हम थोड़ा इधर a naught minus x into alpha 1 upon l plus x into क्या है alpha 2 upon l minus ये चीज, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r infinity upon a naught। ओके is equal to x की वैल्यू हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, x की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू आ तो गई इधर, x की वैल्यू rt minus x into r infinity upon a naught, rt minus x is equal to a naught minus x into alpha 1 upon l, और ऊपर क्या है r naught upon a naught is equal to alpha 1 upon l। ठीक है this is equation 4, this is equation 1, इन दोनों को divide कर दो, divide कर दो 4 upon 1, तो ये क्या हो गया a naught minus x is equal to rt minus x into r infinity upon a naught upon 1, that is r naught upon a naught। अच्छा x को अपने को eliminate करना था, यहाँ पे आपको ये करना था, ये सब rt plus rt is equal to a naught into alpha 1 upon l plus x into r infinity upon a naught minus minus alpha 1 upon l, unity dimensionally मेरे को गड़बड़ लग रहा है। एक मिनट इसको आप लोग होमवर्क में थोड़ा ट्राई करना, ठीक है इसका रिजल्ट हम इधर लिख देते हैं। इसका रिजल्ट ये आता है k is equal to 1 by t ln of r infinity upon r naught minus r infinity upon rt minus r infinity। ठीक है तो
किसी तरह से आप लोग ऐसे देखना, a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x इक्वल हो जाता है r नॉट माइनस r इनफिनिटी अपॉन rt माइनस r इनफिनिटी के, r नॉट माइनस r इनफिनिटी अपॉन rt माइनस r r नॉट माइनस r इनफिनिटी. अच्छा हाँ ओके, माइनस आर इनफिनिटी हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ओके 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 चमक गया. आप क्या करो इस चीज की वैल्यू निकालो, आर नॉट माइनस आर इनफिनिटी अपॉन आर टी माइनस आर इनफिनिटी, आर नॉट माइनस आर इनफिनिटी तो a नॉट कॉमन ले लो ऊपर से, a नॉट कॉमन ले लो और बचेगा क्या, r नॉट माइनस r इनफिनिटी बचेगा आपका अल्फा 1 अपॉन l माइनस अल्फा 2 अपॉन l प्लस अल्फा 3 अपॉन l, ठीक है. और rt माइनस r इनफिनिटी की वैल्यू, rt माइनस r इनफिनिटी तो a नॉट माइनस x इसमें से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, a नॉट माइनस x इनटू ये क्या हो जाएगा अल्फा 1 अपॉन l और ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा 2 अपॉन l प्लस अल्फा 3 अपॉन l, ठीक है. इस चीज से ये चीज कट गया, ठीक है. ये चीज चमका वाल को देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग सॉल्व करना आराम से. बैक कैलकुलेशन से हुआ, हां बैक कैलकुलेशन से हुआ. इधर से भी कर सकते हैं आप, थोड़ा देखो एक्चुअली हम लोग थोड़ा लेंदी करके भी कर सकते हैं. आप a नॉट ऑलरेडी अपने को r नॉट ये सब के टर्म्स में पता है, x की वैल्यू आप r नॉट ये सब के टर्म्स में निकालो और फिर a नॉट माइनस x पुट करो, ठीक है, तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा. समझ में आ रहा है? यस. ओके, तो रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एग्जाम में आपको डेरिवेशन, ये मान के चलो कि डेरिवेशन अगर एग्जाम में करने बैठे तो पक्का गड़बड़ करेंगे, ठीक है. अभी घर पे बैठे हैं आराम से, एसी चल रहा है, ठीक है, फिर भी गड़बड़ हो गया, ठीक है. तो ये रिजल्ट आप लोग याद रखो, ठीक है, आर नॉट माइनस आर इनफिनिटी अपॉन आर टी माइनस आर इनफिनिटी, ठीक है. ओके, तो अब आई थिंक आप लोग सेक्शन ई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं शीट का, ठीक है. सर मैं क्या अभी लीव कर सकता हूँ, मेरा एक्चुअली और एक क्लास है, मतलब 8 बजे. हाँ अभी अभी क्लास खत्म ही हो रहा है हम लोग का, ठीक है. तो हम लोग अगले क्लास में फिर डाउट डिस्कशन से शुरू करेंगे, ठीक है. आप लोग में से कुछ लोगों का सबमिशन नहीं आया था इसलिए हमने आज डिस्कस नहीं किया, ठीक है. तो अगले क्लास तक सब लोग सबमिट कर दो और ये वाला जो मॉनिटरिंग रेट वाला जो सेक्शन है उसको भी आप लोग कम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है. और जिन लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, कर लिया है, वो देख लो एक बार, आपके जो डाउट्स हो रहे हैं उसको फिर से अटेम्प्ट करो, ठीक है. देन अगेन वी विल मीट ऑन आई थिंक ट्यूसडे, ठीक है. ओके चलो ठीक है, किसी को कुछ डाउट पूछना है? सर हाँ बोलिए. सर क्या आप केमिकल काइनेटिक्स के बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकते हैं? अच्छा ऑर्गेनिक करना है क्या? स्कूल में ऑर्गेनिक चल रहा है और एग्जाम भी होने वाला है इसलिए. ठीक है ओके चलेगा. बाकी स्कूल्स में क्या चल रहा है? अमीशा ओशी आप लोग बता सकते हैं? सर फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है. फिजिकल कौन सा चैप्टर? तो सरफेस हुआ, अभी काइनेटिक्स स्टार्ट हुआ है. अच्छा ठीक है ओके, तो काइनेटिक्स ओके. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं हुआ ना? नो सर. ओके ओशी आपके इधर? सर हमारा ऑर्गेनिक का वो हेलो एल्केन हेलो एरीन हो गया है. अच्छा अच्छा और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक हो गया है. चलो ठीक है, तो इसके बाद काइनेटिक्स के बाद हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है. ओके चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच.